मोटा सा, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेल्डेड कनेक्शन। ठीक है ना, सारे लोग प्रिपेयर हो जाइए वेल्डेड कनेक्शन पढ़ने के लिए। ठीक है ना। हाँ चलिए, वेल्डेड कनेक्शन में हम लोग पढ़े थे सबसे पहले वेल्डिंग। जैसे कनेक्शन का मतलब समझते कि एक प्लेट को दूसरे प्लेट के साथ जब कनेक्ट कर रहे थे तो वहां रिवेट के थ्रू भी कनेक्ट कर रहे थे। आज क्लास में टोटल का टोटल कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे कि एक प्लेट को दूसरे प्लेट से जब कनेक्ट करेंगे तो वहां पे हम लोग वेल्डिंग यूज करेंगे। ठीक है ना। हाँ, वेल्डिंग यूज करके हम लोग ज्वाइंट बनाएंगे। ठीक है, तो वेल्डिंग यूज करने के लिए बड़े आराम से देखिए, थोड़ा सा एक प्लेट हम बनाते हैं। ये आपका एक प्लेट है, आप देख पा रहे होंगे बढ़िया से इस प्लेट को। ठीक है ना, एक प्लेट ये है। ठीक है ना, और इसके ऊपर एक प्लेट को रखा गया है। ठीक है ना, और इस प्लेट को यहाँ पे क्या किया गया, वेल्डिंग कर दिया गया है। ठीक है ना। हाँ, तो हम लोग बड़े आराम से समझेंगे कि वेल्डिंग करने के लिए आपको कोई ना कोई प्रोसेस का यूज कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो वेल्डेड कनेक्शन में हम लोग पढ़ते हैं वेल्डिंग प्रोसेस, वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है ना, वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत आप लोग अगर समझ पा रहे होंगे तो वेल्डिंग प्रोसेस फेयर में देख देख करके जरूर बोल सकते हैं। ठीक है ना, वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में थोड़ा बताइए कौन कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस था। सारे लोग कमेंट में बोलिए वेल्डिंग प्रोसेस कौन कौन था, सारे लोग बताइए। तो अगर थोड़ा बहुत अगर याद आ रहा होगा वेल्डिंग प्रोसेस में, तो आप ये बोलने की कोशिश करोगे कि सर वेल्डिंग प्रोसेस था, बोलिए फटाफट। सबसे पहला जो है थर्माइट वेल्डिंग था, गैस वेल्डिंग था। ठीक है ना, गैस वेल्डिंग था, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग था। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग था, ये सब वेल्डिंग का टाइप मतलब प्रोसेस था। ठीक है ना, तो ये सारे चीज आप लोग याद रखेंगे कि वेल्डिंग का प्रोसेस। कभी कभी आपके 4 मार्क्स में सब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं कि एक्सप्लेन वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, तो वेल्डिंग प्रोसेस 4 अपन बताया था जिसको आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है। हाँ, वेल्डिंग प्रोसेस के बाद हम लोग वेल्डिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाव, ज्वाइंट बनाते हैं। ठीक है ना, तो जो ज्वाइंट बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वेल्डेड ज्वाइंट। क्या बोलते हैं, वेल्डेड, वेल्डेड ज्वाइंट या वेल्डिंग ज्वाइंट। ठीक है ना, ठीक है ना, तो हम लोग ज्वाइंट बनाते हैं। ठीक है ना, या ज्वाइंट सीधा सीधी बोलिए ज्वाइंट। ठीक है ना। हाँ, तो जो ज्वाइंट बनाते हैं वो वेल्डिंग के थ्रू दो तरह का या दो टाइप्स का ज्वाइंट होता है। ठीक है ना, बड़े आसानी से इस चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर मान लीजिए सपोज करिए, चलिए ज्वाइंट, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, सपोज करिए यहाँ पे थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ये आपका एक प्लेट है। ठीक है ना, रुक जाइए, बढ़िया से प्लेट बना लेते हैं हम। यहां पे एक प्लेट आपका ये है और सेकेंड प्लेट आपका ये वाला है। ठीक है ना, ये दोनों प्लेट के बीच में आप क्या करोगे, वेल्डिंग करोगे। क्या करोगे, वेल्डिंग करोगे। ठीक है ना, यहां पे अपन वेल्डिंग कर रहा है, देख रहे हो बड़े आराम से, देख रहे होंगे यहां पे वेल्डिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस वेल्डिंग के थ्रू आपको यहाँ पे ज्वाइंट बन रहा है। ठीक है ना, ज्वाइंट बन रहा है। तो यही बात है कि मेंबर को किस तरह से अपन अरेंज करेगा तो किस टाइप के ज्वाइंट बनेगा, ये आप लोग को मेजर रूप से छूट गया था आपके सिलेबस में। जब रेगुलर वीडियो लेक्चर अपन रिकॉर्ड कर रहा था तो उसमें बट वेल्ड का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े थे। आज जो छूटा हुआ उसको पूरा ओवरऑल कवर करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। तो जो ज्वाइंट होता है उसमें क्या होता है कि सपोज करिए कि एक प्लेट आपका ये है और एक प्लेट आपका ये है। ठीक है ना, ये दो प्लेट है। दूसरा आपका ये है कि एक प्लेट आपका ये है और सेकेंड वाली जो प्लेट आपको है, सेकेंड वाली जो प्लेट है आपको, वो आपको इस तरह से है। ठीक है ना, ये है। बड़े आराम से इस चीजों को समझने की पूरा कोशिश करेंगे कि एक प्लेट ये है। इस प्लेट को अगर 3D अगर देखना चाहोगे तो आपके कुछ ऐसे दिखाई पड़ेंगे। ठीक है ना, एक प्लेट ये है, देखिए इसको अगर प्लेट फर्स्ट माने, प्लेट वन, तो इसको मानेंगे प्लेट टू। ठीक है ना, प्लेट टू। ठीक है, इसको अगर प्लेट वन मानते हैं तो इसको जबरदस्ती मानना होगा प्लेट टू। बड़े आसानी से देख रहे हैं कि ये दो प्लेट है। कितना प्लेट है, दो प्लेट है। तो दोनों प्लेट को ज्वाइंट बनाने के लिए या तो एक दूसरे को इस तरह से रखना होगा या तो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखना होगा, या आप कभी ऐसे कर सकते हो कि एक दूसरे को इस तरह से भी आप कर सकते हो। थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, आप लोग इसको पेशेंसली समझने की कोशिश करेंगे। ठीक
ठीक है। ठीक है चलो। चलो ये देखिए, बड़े आराम से ये तीन तरह से आप ज्वाइंट बना सकते हैं। ये दोनों के बीच में आप क्या कर सकते हो, वेल्डिंग कर सकते हो। वेल्डिंग के लिए आपको कलर कौन सा होगा, ग्रे कलर ले लीजिए, वेल्डिंग के लिए बढ़िया कलर होगा। ठीक है हाँ, ऐसे कोई मेंशन कलर नहीं है वेल्डिंग के लिए, बट आप लोग को ध्यान देना है वेल्डिंग करना है। देखिए यहाँ पे आप जो वेल्डिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे जो आपने वेल्डिंग कर रखी है, ठीक है, और यहाँ पे भी जो आपने वेल्डिंग कर रखा है, ठीक है ना, ये तीनों में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे दो प्लेट है, यहाँ दो प्लेट को हेड टू हेड करके आपने वेल्डिंग मारा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक प्लेट के ऊपर दूसरे प्लेट को रख करके वेल्डिंग मारे हैं, और यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एक प्लेट के ऊपर दूसरे प्लेट को रख करके वेल्डिंग मार रहे हैं। तो यहाँ पे ये दोनों का एक तरह से लैप करके आप वेल्डिंग मार रहे हैं। क्या करके मार रहे हैं, वेल्डिंग लैप करके, ठीक है ना। यहाँ पे एक दूसरे को सामने सामने मार रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस टाइप के वेल्डिंग को हम लोग बोलते हैं बट वेल्ड। क्या बोलते हैं बाबू, बट वेल्ड। इतना बात आप लोग को समझने की पूरा कोशिश करेंगे, और एक दूसरे मेंबर को ऊपर चढ़ा करके अगर वेल्डिंग मारेंगे तब हम उसको बोलेंगे फिलेट वेल्ड। क्या बोलेंगे, फिलेट वेल्ड। इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे, फिलेट वेल्ड। ऐसा नहीं कि फिलेट बटा वेल्ड एल से एल खत्म कर दीजिएगा, ठीक है ना, वैसा नहीं। इस चीज को समझने की पूरा कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक है। चलो क्या सर, तो यहां पे आपके दो तरह के ज्वाइंट मिले, एक मिला आपको बट बट वेल्डेड ज्वाइंट, बट वेल्डेड ज्वाइंट, और सेकंड आपको मिला फिलेट वेल्डेड ज्वाइंट, ठीक है ना। हाँ, यानी आपको ज्वाइंट कितने तरह का मिला, दो तरह का मिला, एक बट वेल्डेड ज्वाइंट और दूसरा मिला फिलेट वेल्डेड ज्वाइंट। उम्मीद है इतना आपको क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा एकदम। बताइए क्रिस्टल क्लियर है या नहीं, आवाज क्लियर है, क्वालिटी ठीक ठाक है या नहीं, एक और थोड़ा बता दीजिएगा आवाज और क्वालिटी को लेकर के, ठीक है। हाँ चलिए, उम्मीद है इतना बात आपको समझ आ रहा होगा। अब हम लोग मूव करते हैं कि जो बट वेल्ड होता है, बट वेल्ड समझ आया होगा और रेगुलर वीडियो में भी बता दिया गया, लेकिन फिर भी इसको यहां पे बताया जा रहा है कि दो प्लेट को हेड टू हेड ज्वाइंट करेंगे तो बट वेल्ड, दो प्लेट को एक प्लेट के ऊपर रख करके अगर वेल्डिंग मारेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे फिलेट वेल्ड। उम्मीद है इतना क्लियर हो ही गया होगा। अब थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं बट वेल्ड के अगला प्रोसेस की ओर, ठीक है। हाँ चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा पेन का जो मोटाई है थोड़ा कम करते हैं, और हम लोग सेलेक्ट करते हैं ब्लू पेन, और उसके बाद लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। हाँ तो देखिए, बट वेल्ड के बहुत सारे टाइप्स थे, बट वेल्ड के बहुत सारे क्या थे, टाइप्स थे, ठीक है ना। यानी टाइप्स ऑफ बट वेल्ड लिखिए, ये थोड़ा टच कर जा रहा, यानी टाइप्स ऑफ बट वेल्ड लिखिए, टाइप्स ऑफ बट वेल्ड, ठीक है ना। तो बहुत सारे पढ़े थे, जे टाइप, यू टाइप, बेवल टाइप, ठीक है ना, सिंगल डबल सब पढ़े थे, ठीक है ना। तो हम लोग थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे बट वेल्ड का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। थ्योरी ऑलरेडी पढ़ाया गया है, डिजाइन क्राइटेरिया को यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ देखिए, सपोज करिए कि आपका एक प्लेट ये है, ठीक है ना, और दूसरा प्लेट आपका क्या है, दूसरा प्लेट का कलर चेंज करते हैं, दूसरा प्लेट आपका ये है, ठीक है ना, ये आपका दूसरा प्लेट है और ये आपका फर्स्ट प्लेट है, ये आपका कैसा प्लेट है, फर्स्ट प्लेट है। ये दोनों प्लेट के बीच जो वेल्डिंग मार रहे हैं, तो आपकी दो पॉसिबिलिटी, या तो आप पूरा मार दोगे या तो आप हाफ मारोगे, ठीक है ना। तो जब पूरा मारोगे पूरा लेंथ में, बड़े आराम, इसको फिर से एक फिगर क्लीन बनाते हैं तो ज्यादा समझ आएगा, एक ही कलर से बना देते हैं, ठीक है ना, वेल्डिंग के लिए कलर चेंज करेंगे। एक हो गया, ये हो गया, ऐसे ऐसे, एक प्लेट ये हो गया और दूसरा प्लेट आपका ये हो गया, ठीक है ना। यहां से इसको इस तरह से ऐसे करके एक ये हो गया, ठीक है ना। अब ये दोनों को हेड टू हेड ला करके इसमें क्या कर रहे हैं, हम वेल्डिंग मार रहे हैं। तो देखिए, वेल्डिंग या तो आप पूरा में मार देंगे, वेल्डिंग आप क्या होगा, पूरा चौड़ाई में मार देंगे। जब पूरा चौड़ाई में वेल्डिंग मार होंगे ना, तो सबसे पहले तो ये वाला होगा, इतना तो जरूर कर सकते हैं कि सर ये बट वेल्ड है, इतना तो हम कंफर्म कर सकते हैं। कौन सा वेल्ड है, बट वेल्ड है। कौन सा वेल्ड है, बट वेल्ड है। लेकिन क्या होगा,
पूरा चौड़ाई में ना मार करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे पूरा चौड़ाई में ना मार करके हम लोग क्या करेंगे, पूरा चौड़ाई में ना मार करके हम लोग क्या करेंगे, इसके पार्शियल पोर्शन में मारेंगे। पूरा चौड़ाई में ना मार करके हम लोग क्या करेंगे, इसके पार्शियल पोर्शन में मार देंगे, तब हम उसको बोलेंगे पार्शियल पेनिट्रेशन। ठीक है, हाँ। और जब पूरा में मारेंगे तो इसको बोलेंगे फुल पेनिट्रेशन। क्या बोलेंगे, फुल पेनिट्रेशन। ठीक है, इस चीज को आप समझने की कोशिश करोगे। जब दो मेंबर को, एक मेंबर ये है और दूसरा मेंबर ये है, एक मेंबर ये है और दूसरा मेंबर ये है, ये दोनों मेंबर को हेड टू हेड ला करके, यानी हेड टू हेड ला कर ज्वाइंट करते हैं, वहां पे बेल्डिंग मारते हैं, तो उस बेल्ट को तो बोलते हैं बट बेल्ट। लेकिन बट बेल्ट में भी दो बात, या एक तो होता है कि आप पूरे पूरे चौड़ाई के लेंथ में आप बेल्डिंग मार रहे हो, और एक होता है कि पूरे चौड़ाई में ना मार करके आधा अधूरा में मार रहे हो। तो आधा अधूरा में जो मारोगे उसको बोलेंगे पार्शियल पेनिट्रेशन, और पूरा में मारोगे उसको बोलेंगे फुल पेनिट्रेशन। और फुल पेनिट्रेशन जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा डबल 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 में मिलेगा, और ये मिलेगा आपको सिंगल टाइप्स बट बेल्ट में मिलेगा, सिंगल टाइप्स ऑफ टाइप्स बट बेल्ट में मिलेगा। ठीक है ना, और ये मिलेगा कौन सा में, डबल टाइप बट बेल्ट में मिलेगा। ठीक है ना, तो इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी हम इसके थोड़ा सा हम प्रीवियस में जाते हैं। देखिए आ गया 17 लेक्चर से वेल्डिंग स्टार्ट है। देखिए वेल्डेड ज्वाइंट आप डिफिनेशन पढ़ रहे होंगे, क्या क्या चीज करते हैं, वेल्डिंग प्रोसेस, फ्रॉग वेल्डिंग, थर्माइट वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। ठीक है, ये चीज को आप ध्यान देंगे। उसके बाद सारे का डिफिनेशन है जिसको हम 4 मार्क्स के लिए बताया था, कि 4 मार्क्स के लिए आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज वेल्डिंग कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो ये सब 4 मार्क्स के लिए थ्योरी पूरा कवर कर लेंगे, एग्जाम इसे इग्नोर ना करेंगे। जहां इग्नोर किए, अगर आप एग्जाम को इग्नोर किए तो एग्जाम आपको इग्नोर कर देगा। ठीक है ना, तो थियोरेटिकल पोर्शन को आप संभाल कर रखेंगे। देखिए बट बेल्ट किस तरह से था, कितना टाइप्स के बट बेल्ट था, इसी चीज को हम दिखाने के लिए आपको यहाँ पे समझा रहे थे। देखिए स्क्वायर बट बेल्ट था, सिंगल भी बट बेल्ट था, यानी इसी को हम लोग बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे कौन सा पेनिट्रेशन, तो इसको बोलेंगे सिंगल वाला सारे को हम लोग बोलेंगे पार्शियल पेनिट्रेशन। याद करिए, इसीलिए पीडीएफ हम खोले हैं, सिंगल वाला जितना रहेगा उसको पार्शियल पेनिट्रेशन, और डबल वाला जितना रहेगा उसको सबको क्या बोलेंगे भाव, फुल पेनिट्रेशन, फुल पेनिट्रेशन। ठीक है ना, तो इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बताओ बताओ ये वाला सिंगल वाला क्या है, तो सर पार्शियल पेनिट्रेशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सारे टेबल में आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये सारे सिंबल के साथ आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये बट बेल्ट है। ठीक है ना, हम लोग थोड़ा सा ऑफलाइन के क्लासेस में या ऑनलाइन के क्लासेस में ये वाला नहीं हो पाया था कि डिजाइन ऑफ बट बेल्ट, ठीक है ना, या स्ट्रेंथ कैलकुलेशन ऑफ बट बेल्ट कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम समझने की पूरा कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इसको हम बैक, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं डिजाइन के बारे में। ठीक है ना, तो डिजाइन डिजाइन ऑफ बट बेल्ट, बट वेल्डिंग का डिजाइन हम लोग समझने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है ना, इस चीज को समझने की पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ, जैसे सपोज करिए कि एक प्लेट आपका ये है और सेकेंड प्लेट आपका इसी तरह से यहां पे रहेंगे, ये आपका सेकेंड प्लेट है। आराम से इस चीज को समझने की पूरा कोशिश करेंगे। एक प्लेट ये है, इसको प्लेट फर्स्ट मानते हैं तो इसको प्लेट सेकेंड मानना होगा, और यहाँ के बाद आपको इसके बीच में आपको वेल्डिंग करना होगा। क्या करना होगा, वेल्डिंग करना होगा। ठीक है ना, एक तरीका और एक कंडीशन और हो सकता है कि एक ऐसा आपकी प्लेट है और एक प्लेट आपको ऐसा है, ये दोनों प्लेट है, और यहाँ से आपको इस तरह से यानी आधा दूर में आपको वेल्डिंग किया गया है। इसको अगर ऐसा नहीं तो थोड़ा सा 3D में बना देते हैं। चलिए कोई अकबकाना नहीं है। ठीक है, इसको अगर आधा दूर में अगर वेल्डिंग मारते हैं, यानी इसको बोलेंगे पार्शियल, क्या बोलेंगे, पार्शियल पार्शियल पेनिट्रेशन।
ठीक है, और इसको बोलेंगे फुल पेनिट्रेशन। क्या बोलेंगे? फुल पेनिट्रेशन, ठीक है ना, ठीक है, फुल पेनिट्रेशन, ठीक है। तो देखो यहां पे एग्जाम में पूछता है कि कैलकुलेट करना आपको स्ट्रेंथ, क्या कैलकुलेट करना है? स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है। इसको स्ट्रेंथ आप कैसे कैलकुलेट करोगे, यहां पे स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे और यहां पे स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे, यहां पे स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। दोनों जगह पर आपको स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है और ये दोनों का भी एक न्यूमेरिकल की मदद से सीखने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। ऑफलाइन ऑफलाइन होगी एग्जाम ब्रो, ठीक है। आप लोग ये सारे चीज पर ध्यान ना देंगे, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अगर फुल पेनिट्रेशन होगा तो कोई भी वेल्डिंग का स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या जानते थे, या कोई भी नॉर्मल चीज में स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या जानते थे? स्ट्रेस इंटू एरिया, क्या जानते थे? स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया जानते थे। याद आ रहा है कुछ? स्ट्रेस इंटू एरिया, ताकत जानने के लिए क्या, बर्दाश्त करने की क्षमता इंटू एरिया, यही ना जाने थे, ताकत बराबर, तो स्ट्रेस इंटू एरिया। इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। तो देखिए यहां पे वेल्डिंग के केस में जो आपको स्ट्रेंथ लेना है, बट वेल्ड के केस में जो आपको स्ट्रेंथ लेना है वो लेना है 150 लेना है। कितना लेना है? 150 लेना है। इस बात को आप समझने की कोशिश करेंगे। 150 कहां से आया? एक टेबल से आया, जो टेबल को अभी हम बताते हैं, ठीक है ना। पहले इतना समझ लीजिए कि ये जो स्ट्रेस लेना है बट वेल्ड केस में वो 150 लेना है। 150 क्या लेना है सर? तो मेगा पास्कल लेना है, MPa, और मेगा पास्कल को प्यार से बोलते हैं न्यूटन पर MM², ठीक है ना। इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। रही बात एरिया के लिए, तो वेल्ड का एरिया कितना हो जाएगा? ये स्ट्रेंथ ऑफ क्या निकाल रहे हैं बाबू? अरे बोलो, बट वेल्ड निकाल रहे हैं सर, बट वेल्ड, ठीक है ना। हाँ, तो स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड निकालने के लिए क्या करना होगा आपको? स्ट्रेस इंटू एरिया निकालना होगा इस वेल्डिंग का। तो बताओ ये वेल्डिंग का, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इस वेल्डिंग का थिकनेस कितना है, इस वेल्डिंग का थिकनेस कितना है, और ये वेल्डिंग कितना दूर में किया गया है। तो जरा एक बात बताइए सारे लोग कमेंट में, कि वेल्डिंग जितना दूर में किया रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो सर एक ही जवाब आना चाहिए, इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं सर, इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं सर। B into T, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ चलिए, तो बताओ इस वेल्डिंग का एरिया जो निकालेंगे वो हो जाएगा आपको इफेक्टिव लेंथ, और इफेक्टिव लेंथ यहाँ पे फुल पेनिट्रेशन के केस में पूरा का पूरा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा? टी, यानी थिकनेस ऑफ वेल्ड। तो बताओ अगर दोनों प्लेट का डायमेंशन सेम है, दोनों प्लेट में से कोई प्लेट मोटा और पतला के लफड़ा नहीं है, दोनों प्लेट सेम है, अगर दोनों प्लेट का डायमेंशन सेम है, इसका मतलब दोनों में से कोई प्लेट यहां पे हो जाएगा टी। लेकिन रहा एक प्लेट मोटा है और एक प्लेट पतला है, तो उस स्थिति में हम लोग लेंगे पतारका प्लेट। कौन सा प्लेट? पतारका प्लेट, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड किस केस में? स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड हो गया फुल्ली पेनिट्रेशन के केस में। तो इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड जो हुआ वो किस केस में हुआ? फुली पेनिट्रेशन के केस में। अब रहा बात पार्शियल पेनिट्रेशन के केस में क्या होता है, तो बस स्ट्रेस तो एज इट इज रहता है, स्ट्रेस आपका 150 का 150 ही रहेगा, लेकिन एरिया निकालने के लिए तो क्या करोगे? सबसे पहले एल इफेक्टिव भी चेंज नहीं होगा, तो एल इफेक्टिव भी आपका एज इट इज हो जाएगा, कितना दूर में आपको मारा गया वो भी एज इट इज हो जाएगा। लेकिन आपको पार्शियल पेनिट्रेशन के केस में क्या करते हैं, पार्शियल पेनिट्रेशन क्या करते हैं, यहाँ पे जो थिकनेस होता है वो हम लोग क्या करते हैं 5/8 इंटू पतारका प्लेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा दो फॉर्मूले के आप एनालिसिस करेंगे, दो फॉर्मूले के आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। एक बार इस पर एक न्यूमेरिकल अभी बनाते हैं। फुल पेनिट्रेशन के केस में अच्छा बताओ फुल पेनिट्रेशन किस केस में होगा, सिंगल में कि डबल में? बताओ फुल पेनिट्रेशन किस में होगा, सिंगल में कि डबल में? जवाब सारे लोग को आना चाहिए। तो सर फुल पेनिट्रेशन हमेशा किस में होगा सर? तो सर डबल 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 में, ठीक है ना। हाँ चलो, हाफ पेनिट्रेशन किस में होगा? तो सर सिंगल में किस में? सिंगल में। सारे लोग को कमेंट में ही आना चाहिए कि फुल पेनिट्रेशन डबल में और हाफ पार्शियल पेनिट्रेशन क्या होगा? पार्शियल वाला एग्जाम में नहीं आएगा ना सर।
आएगा या नहीं आएगा, इसको छूटा हुआ था टॉपिक, इसको पढ़ लीजिए। चलो बहुत बढ़िया, डबल में डबल में डबल में। चलिए, फुल डबल और हाफ सिंगल में। जैसे अगर भी, अगर भी बट मिल रहा, कौन सा बट मिल रहा, भी बट मिल रहा, अगर इसकी डबल का दिया तो फुल, अगर सिंगल का दिया तो हाफ, ठीक है। चलो ये हो गया आपको बट बिल्ड का, आप स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकोगे, ठीक है। तो आसान था इसको समझना, उम्मीद है आप इसको समझ पाए हो। चलिए अंडरलाइन करके पढ़ते हैं। कह रहा है कि टू प्लेट्स, दो गो प्लेट है जिसकी साइज आपको कितना दिया हुआ, 150 mm × 12 mm, ठीक है ना। दोनों को आर टू बी ज्वाइंट, वो दोनों को ज्वाइंट किया गया है बाई बट बिल्डिंग से। किससे? बट बिल्डिंग से ज्वाइंट किया गया है, और पूछ रहा कि फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट, आप उसके स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट पता करना है। एक होता है फुली पेनिट्रेशन के केस में, आपको जब फुली पेनिट्रेशन है तब ज्वाइंट मतलब उस ज्वाइंट का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है, और दूसरा है पार्शियल पेनिट्रेशन है तब उस स्थिति में आपको क्या करना है, स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, प्लेट का डायमेंशन 150 × 12 mm है और आपको स्ट्रेंथ पूछ रहा है। चलो बाद बाकी के डाटा आप कहां से लाओगे, बाद बाकी का डाटा आप कहां से लाओगे, आपको स्ट्रेंथ के लिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आपको याद कर लेना होगा कि ये फॉर्मूले आप कैसे याद करोगे, इस फॉर्मूले को आप कैसे याद करोगे। देखिए ये स्पेशली ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया था किसके लिए, तो ऑनलाइन लेक्चर के लिए सेलेक्ट किया गया था, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इतना बात समझ आया होगा, ठीक। हाँ चलिए, सबसे पहले विड्थ ऑफ प्लेट आपको दिया हुआ, जो डाटा गिवन है सोल्यूशन लिखिए, गिवन लिखिए, और जो डाटा जैसे जैसे दिया हुआ वैसे वैसे लिख दीजिए। उम्मीद है सारे लोग आंसर आप बताएंगे, तो सबसे पहले इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सोल्यूशन लिख दिए, गिवन लिख दिए, अब यहाँ पे केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट में क्या लिखेंगे, केस फर्स्ट में लिखेंगे कि बट वेल्ड इज फुल्ली पेनिट्रेटेड, बट वेल्ड इज फुल्ली पेनिट्रेटेड। जब फुल्ली पेनिट्रेटेड होगा, फुली पेनिट्रेटेड, जब बट वेल्ड फुली पेनिट्रेटेड होगा तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या होगा, तो स्ट्रेस इनटू बी इनटू टी पतारका। अच्छा, टी पतारका के कोई लफड़ा होगा यहाँ पे, नहीं होगा, क्योंकि आपको अगर ये चीज को अगर समझने की कोशिश करें डायग्राम छापने की, तो आप ये बोलोगे कि एक प्लेट आपका ये है, एक प्लेट आपका ये है और दूसरा वाला प्लेट आपका ये है, ये दोनों प्लेट को हेड टू हेड कनेक्ट किया गया है और इसमें पूरा वेल्डिंग कर दिया गया है, सामने ला करके वेल्डिंग कर दिया गया है, और इसका चौड़ाई दे रखा है, वो दे रखा है 12, सॉरी चौड़ाई आपको 150 दिया हुआ है, इसको कैसे पीछे करें, ऐसे छोड़ो, इसको 150 लिख दो, 150, और ये थिकनेस जो दिया हुआ है ना वो आपको 12 mm दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा टी की वैल्यू कितना लेंगे, तो सर सिग्मा टी की वैल्यू हम लेंगे सर 150 लेंगे, कितना लेंगे 150 लेंगे, 150 इनटू बी की वैल्यू कितना है, तो सर मतलब या बी की वैल्यू, सॉरी सिग्मा टी इनटू बी इनटू टी मिनिमम, ठीक है। हाँ सिग्मा टी की वैल्यू कितना लेना है आपको, तो सर 150 लेना है, कितना लेना है 150 इनटू बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, चौड़ाई भी कितना है आपको 150 है, कितना है 150 है, ठीक है। इनटू टी मिनिमम की वैल्यू कितना है, तो सर टी मिनिमम की वैल्यू आपको ये तो एक डायमेंशन का तो प्लेट ही जुड़ा गया, तो मिनिमम का कोई लफड़ा होगा नहीं, तो आपको हो जाएगा 12। इसको सॉल्यूशन करोगे, यहां से आपको स्ट्रेंथ निकल जाएगा फुली पेनिट्रेशन के केस में, ठीक है, आप सिस्टमेटिक बना लोगे। और एक चीज और, इन केस टू में लिखोगे, केस टू में लिखोगे, देखो केस टू में क्या लिखोगे, बट वेल्ड का ची होगा इज पार्शियली पेनिट्रेटेड। तो बताओ बट वेल्ड पार्शियली पेनिट्रेटेड के केस में क्या होगा, तो आसान है, क्या है आसान, ये है कि उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्ट्रेंथ के लिए, तो सिग्मा टी इंटू बी इंटू 5/8 इंटू टी पतरका, कौन सा टी पतरका, ठीक है। बस पार्शियल के केस में आपको ध्यान देना है इस चीज को, फुली केस में तो आपको टोटल ये हो ही जाएगा।
ठीक, उम्मीद है इतना बात आपको समझ आ रहा होगा। तो सिग्मा टी के जगह पर कितना लिख देंगे भाव, फटाफट बोलो, 150। बी के जगह पर कितना है, 150 इंटू टी पता का कितना हो जाएगा, 12। इसको कैलकुलेशन करोगे पार्शियल के केस में निकल जाएगा। दोनों केस पूछ रहा था, दोनों को हम बना दिए। उम्मीद है इतना बात आपको समझ आ गया होगा। और बट वेल्ड की कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है, ठीक है। अगर इसकी थोड़ा सा अगर पिक्चोरियल व्यू देखने की कोशिश करेंगे तो हम जो को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए आपका पेज वन में है, देखिए बट वेल्ड का जो डायमेंशन किस तरह से है, इस चीज को समझने की पूरा कोशिश करेंगे। देखिए एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है, दोनों प्लेट को हम लोग बोलते हैं, जो मेन प्लेट को कनेक्ट करना रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट मेटल बोलते, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, पेरेंट मेटल बोलते हैं या मेंबर बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपको हो गया वेल्डेड फेस, और यहां से यहां तक जोन को बोलते हैं वेल्डेड जोन। देखिए ये वाला जो जोन आपको दिखाई पड़ रहा है, इस जोन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस जोन को हम लोग बोलते हैं वेल्डेड जोन, यहाँ पे ऑलरेडी आपको मेंशन है। इस वाले को क्या बोलते हैं, तो सर पेरेंट मेटल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, तो ये ही फेस में वेल्डिंग किया गया है, इसीलिए इस फेस को बोलते हैं वेल्डेड फेस, ठीक है। हाँ ये वाला यहाँ पे आपकी वेल्डिंग मटेरियल जलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्यूजन लाइन, ठीक है ना। इसी लाइन पर जैसे कि वेल्डिंग करोगे तो जलेगा ना, तो वही जलता है, तो उसको बोलते हैं फ्यूजन लाइन, ठीक है ना। इसको बोलते हैं यहाँ पे, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं रूट, ठीक है ना, वो साइड भी रहेगा, ठीक है ना। और ये जो मेटल जो रेड कलर से दिखाई पड़ रहा है, यही वाला मेटल आपको कौन सा है, वेल्डेड मेटल, ठीक है ना। हाँ, और ये दोनों के बीच में जो जगह होते हैं उसको, जो मेटल्स होते हैं उसको बोलते हैं हज, ठीक है। हाँ, तो ये सारे चीज को आप समझ पाइएगा, और उम्मीद है ये सारे चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। और देखिए इस वाले पोर्शन को आपको टो बोलते हैं, ठीक है, कॉपी कुछ नहीं करना है। चलिए बिल्कुल सही सर, गुड इवनिंग सर, आपका मोबाइल नंबर दीजिए, मिल जाएगा मोबाइल नंबर, ठीक है। चलिए पहले तो आप अपने सेमेस्टर का 70 में 70 नंबर लाइए, तब आपको मोबाइल नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक और है बट वेल्ड का जो टाइप है, आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से बट वेल्डिंग का टाइप यहाँ पे फिगर के हेल्प से आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। हाँ, स्क्वायर ग्रुप्स होता है, सिंगल भी ग्रुप्स होता है, सिंगल बेवल्ड ग्रुप्स होता है, डबल बेवल्ड ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना। तो जो जिसका जिसका सिंगल है सबका है, ठीक है ना। आपको फिलेट वेल्ड में भी कुछ कुछ यहाँ फिलेट वेल्ड नहीं, यहाँ पे दिया गया है, हाँ यहाँ पे है फिलेट वेल्ड, ठीक है, फिलेट वेल्ड है, ये भी फिलेट वेल्ड है, ठीक है ना। तो ये सारे चीज को थोड़ा सा और हम ब्रॉड कर दिया जाए, इसको जूम कहां से करें, जूम नहीं, चलिए ठीक है, जूम नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए यहां से आपको ये वाला को बोलते हैं फिलेट वेल्ड, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फिलेट वेल्ड, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल को चढ़ा करके वेल्डिंग कर रहे हैं, उसको बोलते हैं फिलेट वेल्ड, ठीक है ना। तो उम्मीद है इतना बात आपको क्लियर हो ही गया होगा। कलम ठीक नहीं है सर, दिखता नहीं है, चलिए ठीक है, अब हम सारे चीज चेंज कर देते हैं। एक चीज और देख लीजिए, चलिए और एक चीज नहीं हो पाया था, चलिए उम्मीद है इतना बात क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं फिलेट बेल्ट पर, किस चीज पर चलते हैं, फिलेट बेल्ट पर, ठीक है। इसको अब हम इरेज करके फिर से अपने पीडीएफ में आते हैं। चलो ये टॉपिक आपको क्लास में छूट गया था रेगुलर में, चलिए अब कहाँ जाना है हमको,